हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं फिर से मैथमेटिक्स में। हमने जहाँ पर छोड़ा था इस चैप्टर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और हम उसी के आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो सो फार हमने जितना ही पढ़ा है उसके आगे आप रिवीजन कर लें। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं कुछ नई नई चीज़ें बताने वाला हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ चीज़ें नहीं समझते हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और मैं फिर से उसको कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सब टॉपिक देखते हैं जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आप आराम से कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए। और अभी तक अभी आपने जो भी सीखा है उसके अलावा ये चीज़ें हैं तो आपको फायदा होगा। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कितना करना, किसका करना है? ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ कमेंट सेक्शन में आ रहा था मुझे कि आर्गुमेंट और ये पढ़ाइए, ये सारी चीज़ें मैं डेफिनेटली इसके बाद इसी में कोशिश करूँगा पढ़ाने का, है ना, और उसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ। अब देखो, ज्योमेट्री जब भी हम बोलते हैं, ज्योमेट्री का मतलब होता है हमेशा, ये हमेशा याद रखो कि ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी और भी नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है अच्छे से, मैं 2D की बात कर रहा हूँ, एक्स और वाई वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, मैं 3D की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, तो अगर वो अच्छे से आता है तो आपको बहुत सारी चीजें जो है मैथमेटिक्स में बहुत आसानी से हो जाएगा। और सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट को अच्छे से समझने का। आगे बढ़ते हैं, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर। ऑब्वियस सी बात, हमें सबको पता होता है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आप एक वर्टिकल लाइन लेते हो, एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हो और आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है। अब इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये जो ये पॉइंट होता है सेंटर, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, राइट, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, राइट। ये आप बेसिक नामकरण आप जानते हो। अब इसको ओ एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ओ वाई को वाई एक्सिस, ये तो ये हो गया। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको क्या बोलते, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी को बोलते हैं रियल एक्सिस। आपने सुना होगा रियल ऑफ एक्स, प्रीवियस क्लास में सुना होगा यार, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। रियल नहीं भाई, मूवी नहीं चल रहा है, रियल एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, राइट, इमेजिनरी एक्सिस बोल, ये आप हेडिंग में डाल। अब ये जो रियल और इमेजिनरी होता है ये किसी कॉन्टेक्स्ट में होता होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या कर लिया हमने, एज्यूम जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं एक्स प्लस आयोटा। तो देखो, ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये बस नाम है, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। कई सारे लोग इसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, आर्गन प्लेन, राइट, आर्गन प्लेन बोलते हैं इसको, तो ये अलग अलग नाम है। फिर कई सारे लोग इसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। तो ये जो भी नाम आपको आएंगे, नाम पे लेना देना बिल्कुल नहीं, किस पे लेना देना है, कॉन्सेप्ट पे, कि आखिर ये है क्या, ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली प्लेन है जो इमेजिनरी और रियल एक्सिस के फॉर्म में होता है, जैसे एक्स वाई यहाँ पर देख रहे हो वैसा। अब क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या होता है, ये बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और इस पॉइंट को हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ हम ये मान के चलते, जैसे एक पॉइंट हमने कोई ले लिया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया और उसको मैंने बोल दिया पी। अब जेड को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसको लिखने का क्या तरीका होता है, इसको आपको पता है कि एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, कि पहले एक्स डिस्टेंस लिखेंगे और कॉमा के साथ वाई डिस्टेंस, तो आप यहाँ से डैश यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ वर्टिकल वाई लाइन पे डिस्टेंस अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया वाई। ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का आप देख रहे हैं, इसी को आपने एक्स बोला हुआ है, और ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है इसी को आपने वाई बोला हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस को ही हम पॉइंट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पी एक्स वाई। अब यहाँ से आप एक लाइन यहाँ ओरिजिन से कनेक्ट कर दीजिए तो ये जो हो गया, ये हो गया ओपी एक लाइन हो। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि ये जो आर्गन प्लेन है, ये जो आपका गॉसियन प्लेन है या फिर इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, इसमें जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है इमेज, इमेज ऑफ क्या, इमेज ऑफ जेड, जेड का ही इमेज बोला जाता है इसको। इमेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए आपको इसको, हम इसको बोलते हैं इमेज ऑफ
जेड, किसको? पॉइंट पी को, राइट। और जेड को क्या बोलते हैं इस टर्म्स में? इसको हम एफ एक्स भी बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, राइट। सो ये चीजें ऐसा है जो आपको हमेशा काम आने वाला है और आपको बहुत बेसिक तरीके से समझ के रख। तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं आप इसको, इमेज तो बोलते ही हैं, इसको आप कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं जो हमने पहले ये टर्मिनोलॉजी यूज किया हुआ है, तो आपके लिए फेमिलियर सा हो जाएगा। मैं एक ही चीज में कोशिश करूंगा इसको बताने का। अब क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? प्लेन में बहुत सारा है, मतलब लाखों करोड़ों कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, राइट। सो उसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई है। अब एक जो बहुत स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है जेड इक्वल टू जीरो। अब अगर कोई पूछे कि भाई इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे दिखाओ कि ये आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन में कहाँ होता है, तो बहुत सारे लोग फटाक से बोलेंगे कि सर ओरिजिन। बिल्कुल सही जवाब, ओरिजिन पर आपका ये होगा। ये एक्चुअली है कि ये है जीरो प्लस जीरो आई, जीरो आई या आयोटा। जीरो एक्स से जीरो ओरिजिन पर ही है, और ओ से जीरो मतलब वाई से जीरो ओरिजिन पर ही है। तो इसीलिए जो ओरिजिन होता है वो है बेसिकली, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो कॉमा जीरो होता है। ये हम जब हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वहां पर हम इसकी बात करेंगे बड़ा डिटेल में कि कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं। अब देखो सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ये जो आपने लाइन खींची है, ये एक लाइन है तो इसका कुछ लेंथ होगा, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ओपी। ये ओपी है, ओ और पी, सिंपल, मतलब ज्योमेट्री में जैसे हम लिखते हैं। अब इसका कुछ लेंथ होगा, तो ये लेंथ कैसे निकालते हैं? तो बड़े सारे लोगों ने दिमाग चला दिया होगा कि सर देखो ये एंगल 90 डिग्री है, और 10वीं क्लास में हमने 9वीं क्लास में ज्योमेट्री पढ़ा था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये ओपी का जो लेंथ होगा वो क्या होता है? आपने सुना होगा कि ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ये जो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस होम स्क्वायर, ये आपने जो सुना होगा, ये बेसिकली यहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये जो ओपी का लेंथ हो जाएगा, ये ओपी जो आता है, ओपी हो जाएगा ओपी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो डिस्टेंस है और वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ओपी आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से ओपी निकल के आएगा क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किससे आया? नॉर्मल ज्योमेट्री से 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है, बट आपने वहां पर पढ़ा था, बट यहाँ पर आपको काम आ गया। और इसी ओपी को क्या बोला जाता है? मॉड जेड। अगर किसी को पता होगा कि अगर एक्स प्लस आईटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड जेड इसका क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपको बेसिकली ओपी स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ है इसका ये हो गया ये। सो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो डायगोनल है, ये बेसिकली डायगोनल है, ये आपका बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें आपने लगाया, तो यहाँ से ओपी डायरेक्टली निकल के आ गया कितना, और इसी को हम बोलते हैं बेसिकली मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये था यहाँ पर, यहाँ तक एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग था कि आप कैसे इसको ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी में आपने ये अगर एक्सिस आपने बनाया, यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। और अगर आप इसको फिर से बनाएंगे तो यहाँ से आप बना सकते हैं एक्सिस, ऐसे खींच दिया, राइट। अब बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कुछ होता है, राइट। सबसे पहले ये क्वाड्रेंट क्या होता है? ये जो 4 खाने हैं एक्सिस के, इसी को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो अभी फिलहाल क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया था। अब ये जो पॉइंट को आप ओरिजिन से जोड़ रहे हो, तो आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ तो इसका लेंथ आपको पता चल गया, राइट। ये ओरिजिन है आपका, बट ये जो है एक एंगल बना रहा है, राइट। किससे? एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एक एंगल बना रहा है। इसी एंगल को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में इसी एंगल को बोलते हैं क्या? आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। ये मतलब ऐसा वाला आर्ग्यूमेंट नहीं कि हम झगड़ा कर रहे हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, या फिर जो वार्तालाप कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट किया जाए, तो वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। अब भाई साहब अगर इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं तो आर्ग्यूमेंट का एक वैल्यू भी होगा, और ये जो वैल्यू होती है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ये बात करें तो हम ये है बेसिकली जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल है। और इसका अगर हम आर्ग्यूमेंट मानते हैं, अगर ये थीटा है, तो ये यूनिक नहीं होता है, मतलब एक नहीं होगा, ये यूनिक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यूनिक नहीं होगा तो क्या होगा? तो अनेको हो जाएगा। अनेको कैसे होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगा थीटा प्लस 2n पाई, और n यहाँ पर क्या है? n है यहाँ पर इंटीजर। तो आप इंटीजर यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और ये आपको इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर दोनों आता है, तो आप दोनों ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये यूनिक नहीं रहा।
तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें आप 2n प्लस, जैसे मान लो थीटा कोई आया मान लो 35 डिग्री, पाई बाय 45 डिग्री आ गया, मान लो पाई बाय 4 आ गया, इसमें 2n पाई। अब n की वैल्यू बढ़ाते जाओ, 2 पाई हो गया, +4 पाई हो गया, -2 पाई हो गया, है ना। तो इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, अलग टाइप का आर्गुमेंट। इसीलिए आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक नहीं होता है, सिंपल है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब यहाँ से एक और भी चीज समझते हैं जिसको हम बहुत सरल भाषा में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, राइट। जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है ये बेसिकली, और इसको हम बहुत आसानी से समझते हैं। देखो सबसे पहले जब आप ये आर्गुमेंट समझ रहे थे थीटा, तो थीटा का एक जो होता है रेंज फिक्स होता है। आप भले कुछ भी इसमें आप ले लो, आपकी वैल्यू जो भी आए, बट इसमें थीटा का क्या होता है, थीटा का एक रेंज फिक्स होता है। आप हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी आप ये निकालेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी। सिमिलरली जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे आते हैं तो इसका जो है ना दायरा लिमिट हो जाता है। आप कुछ भी नहीं, सिर्फ उसमें 2n पाई ले लिया था, इसमें कुछ भी नहीं ले सकते। तो इसका जो रेंज होता है, जो दायरा होता है, वो आप लिख लीजिए पहले, वो होता है -π से +π। अब एक जगह जो है आपने देखा कि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है और एक जगह इक्वल टू लगा हुआ नहीं है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये क्या होता है, ये होता है 0 डिग्री, एक्स एक्सिस 0 डिग्री। अब आप बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाता है π/2। अभी मैं पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसको क्या होता है, ये होता है पाई, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3π/2, ठीक है। और इसको 0 मतलब 0, π/2 मतलब 90 डिग्री। ये कितना होता है, ये 180 डिग्री हो जाता है। तो ये 180 डिग्री क्या है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री। मैं एक कलर लेके बना भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री, एक दूसरा हो गया यहाँ पर आपको 180 डिग्री, तीसरा एंगल अगर आप यहीं पर लेंगे तो ये हो गया 270 डिग्री, यानी कि 3π/2। तो ये हो गया 270 डिग्री, और इसी को अगर पूरा घुमा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360, यहाँ तक 360 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको 360 डिग्री भी बोलते हैं, जिसको आप 2π बोलते हैं, राइट। तो ये है जब आप क्लॉकवाइज में जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन बोल। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है हमेशा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज हमेशा आपको पॉजिटिव। तो ये हो गया बेसिक सा, मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और यही चीज अगर आप रिवर्स में करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक्सिस खींचा, और यही चीज आप अगर यहाँ पर रिवर्स में करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सिस बना देता हूँ, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और दूसरा कलर से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यही अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में आओगे, यहाँ आ गए, तो इसको बोलते हैं -π/2, तो नेगेटिव हो जाता है। और यही अगर आप आगे बढ़ते गए और यहाँ पहुंच गए तो इसको क्या बोलते हैं, -π। देखो सेम एक्सिस है, बस आप सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करने से आपका एंगल का वैल्यू जो है सेम है, बट साइन चेंज हो गया। इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, 3π/2, और माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस। तो सेम जो आप कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ये क्लॉकवाइज में कर रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। और एंटी क्लॉकवाइज जब आप जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका जो एंगल का वैल्यू होगा वो नेगेटिव। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ये मैं अभी बता दिया हूँ आपको, पूरे ज्योमेट्री में, पूरे मैथमेटिक्स में ये काम आने वाला है। और भी डिटेल में मैं इसकी बात करूंगा, क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट की वैल्यू एंगल से रिलेटेड होता है, तो सबसे पहले आपको ये चीजें जानना जरूरी है। तो आप आर्गुमेंट को क्या बोल सकते हैं, ये एंगल भी है, एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। और इसको निकालने के बहुत सारे तरीके। अब कुछ लोगों ने तो गैस कर ही लिया होगा कि सर जब हम एंगल की बात कर रहे हैं तो हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग एंगल होगा, और उस हिसाब से हम अलग अलग एंगल चूज करेंगे। बिल्कुल सही, और इसीलिए यहाँ पर जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रेंज डिफाइन किया गया है। ये रेंज किस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया गया है, ये रेंज डिफाइन किया गया है कि आपको इस क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कैसे आप यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू लिखो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट डायरेक्टली एग्जाम में जेई मेंस में खास करके पूछा गया है। तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो है आर्गुमेंट होता क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या, ठीक है। तो ये आपने अगर एक बार सीख लिया तो आप मान लीजिए कि आपको बहुत सारा काम आसानी से हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करेंगे चारों क्वाड्रेंट में। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं एक्सिस बना लेता हूँ फिर से, और यहाँ पर हम बात करेंगे चारों क्वाड्रेंट के इसकी। तो हम बात करते हैं ऑल फोर क्वाड्रेंट, लिख देता हूँ ऑल फोर क्वाड्रेंट, ठीक है।
तो मैं ये लिख देता हूँ और मैं एक छोटा छोटा क्वाड्रेंट बनाता हूँ ताकि आपको पता चले। अभी मैं एक्स और वाई लेता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, धीरे धीरे जिस भी डायरेक्शन में मैं जाऊँगा उस डायरेक्शन में आप इसको ले सकते हैं। ये ओरिजिन है आपका। मान लीजिए पहला केस क्या आ गया, पहला केस आया फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर, इसका मतलब क्या हो गया कि जेड कहीं एक पॉइंट पे होगा और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और वहां पर आप एक्सिस पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, राइट। तो फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखो, समझते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है कि जो आर्गुमेंट होता है वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट इसका जो भी होगा आर्गुमेंट ऑफ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ये मान लो जो पी एक्स वाई है, यानी कि जेड इक्वल टू आपने एक्स प्लस आईटा वाई लिया, तो ये पी एक्स वाई हो गया। तो ये जो एंगल बनाएगा, ये देखो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, 9th 10th की ही बात है, ये जो होगा इसका 10 थीटा निकालो। आर्गुमेंट ऑफ जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 थीटा से। तो थीटा अगर यहाँ पर 10 थीटा निकालेंगे इसी में, तो 10 थीटा आएगा क्या, वाई अपॉन एक्स, ये वाले वैल्यू वाई अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो गया। और यहीं से थीटा चूंकि आपका आर्ग्यूमेंट है, तो थीटा निकालेंगे तो ये इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। तो ये होता है सिंपल ज्योमेट्री से, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें 10 थीटा डायरेक्टली आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकते, राइट। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को चूंकि हम थीटा बोल रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये किस कब होगा, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स, यानी कि आपका हो जाएगा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज। और वो हम कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे एक्स और वाई के साइन से। यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर होते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये लिखने का तरीका है। और इसलिए क्या होगा, ये जो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होगा वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होगा, सिंपल है। और ये आप पहचान करेंगे किससे, साइन से, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए जेड 1 + 2 आईटा है, तो ये पहचान लेंगे कि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, जेड इक्वल टू आप मान लीजिए 3 + 4 आईटा ले लिया आप, ये किसमें हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बराबर होगा और वो हो जाएगा 10 इनवर्स वाई बाय एक्स। ये तो हो गया पहले क्वाड्रेंट में। अब किसी को मजा नहीं आया, बोला सर डायरेक्टली हम जंप करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर जेड लाइज इन किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है, तो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जेड को हमें बनाना भी पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कैसे दिखेगा, बिल्कुल बना लेते हैं। अब हमने एक्स वाई यहाँ कर दिया, एक्स हो गया ये इसको माइनस एक्स भी बोलते हैं और इसको माइनस वाई भी बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है बस, आप ये ओरिजिन हो गया। अब आपका जो है जेड आ गया आपका किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जेड अगेन एक्स प्लस आईटा वाई ही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लाइन बनाएंगे और यहाँ से ओरिजिन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका पी पॉइंट, ये हो गया पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अभी जब सेकेंड क्वाड्रेंट पे आता है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है ये वाला, राइट, और ये वाला एंगल बना रहा है। अब ये एक एंगल तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा एंगल क्या हो गया, दूसरा एंगल ये यहाँ से भी बना रहा है। तो ये मान लो, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो आपको यहाँ से ये एंगल अल्फा मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये एंगल यहाँ से निकालना आसान है, क्योंकि आपको वैल्यू मालूम है, एक्स कॉमा वाई है, यानी कि ये डिस्टेंस वाई है, ये एक्स है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ जो अल्फा निकालेंगे, अल्फा क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स। और चूंकि हम जब ये सीधा वैल्यू निकाल रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई, वाई तो प्लस है, और एक्स, माइनस एक्स यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस साइड है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस बना दें। इसको एक्स को हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस में रख लेंगे, इसीलिए जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो होगी मॉड्यूलस एक्स। मॉड्यूलस एक्स क्या होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपने अल्फा निकाला, और यहाँ से फिर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर आप निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, ये कितना था, पाई था, ये टोटल कितना था, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, ये पाई था सर, ये टोटल हो गया पाई। और इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है आपका, ये वाला एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा घट जाएगा उसमें। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा,
पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ क्या था, वाई अपॉन मॉड एक्स। ये हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के आप टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स निकाल लो और उसको पाई से माइनस कर दो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हुआ है आपका जब जेड लाई करेगा तो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। तो इससे कुछ पॉइंट निकल के आ रही है कि आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा क्वाड्रेंट्स की बात करो मैं, और वाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने एक्स के ऊपर ये मॉड लगाए थे, यानी कि हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और ये अगर आपका हो गया तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को जैसे जिसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड ही बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये हो जाएगा पाई माइनस क्या, पाई माइनस अल्फा, ये आप यहाँ से निकाल, ये सिंपल हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को फटाफट समझने की कोशिश करें। देखो अब तीसरा केस लेते हैं जहां पर आपका क्या है, जेड lies in किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जेड लाई करेगा तब हम कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन बना दिया, यहाँ पर ओरिजिन आ जाएगा क्योंकि अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जेड है तो जेड वही रहेगा एक्स कॉमा वाई, और आपको यहाँ से मिलाना पड़ेगा एक ही मान लो, ये तो ये हो गया आपका पॉइंट पी, ठीक है। अब ये पॉइंट पी जो है एंगल अब दोनों तरह से बना रहा है, ठीक है, तो ये एंगल इधर से ही बना रहा है, मैं एक बार बनाता हूँ, ये एंगल देखो इधर से ही बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा पाई से एक्सीड कर जाएगा। बट आपको क्या बताया था कि जो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही लाई करता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और ये पाई पे इक्वल होता है क्योंकि पाई को आप एक बार ही काउंट करेंगे, माइनस पाई भी वही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसीलिए एक जगह ओपन है और एक जगह आपका इक्वल टू, तो ये आपको कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। तब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे अगेन आप क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं एक्स भी और वाई भी। ये एक टेबल बना लीजिए इसके पहले ताकि आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप एक टेबल बना लो और इसमें एक्स और वाई की जो साइन होती है ना वो आपको पता चल जाएगा, और यहीं से आप पूरे पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को आराम से समझ, मैं ये टेबल बना देता हूँ, आप टेबल आराम से बना लो और इसका यूज करके आप डेफिनेटली आप देख सकते हैं। इसे एक्स हो गया, मैं इसको एक्स को भी बॉक्स बना देता हूँ, और इसको वाई हो गया, तो ये हम बात कर रहे हैं किसका, साइन का, साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स क्या होता है प्लस, वाई भी क्या होता है प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स क्या होता है माइनस और वाई क्या होता है प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस हो जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा ये हो गया आपका एक्स हो गया आपका प्लस और वाई हो गया माइनस। इसी को आप ग्राफिकल फॉर्म में अगर यहाँ पर दर्शाना चाहे तो आप यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस जो भी कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप एक्सिस को थोड़ा सा मार्क कर दो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से यहीं से कॉम्बिनेशन उठा लो, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस और यहाँ पर हो गया प्लस, यानी कि पहला एक्स दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब इसको नोट में लिख लो और इसको आप स्टार मार्क करके लिख लो, कहीं पर कोने में लिख लो आप, ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाला है, तब तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में, तो इससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अब जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहाँ पर जो जेड होगा वो दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब यहाँ के जो जेड का एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर जेड जो आपको कुछ ऐसा दिखे -3 -4i, देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, जेड इक्वल टू यहाँ पर दिखेंगे -1 -4i, जेड इक्वल टू यहाँ पर दिखेंगे -3 -5i, इस तरह से दिखेंगे, मतलब क्या है कि दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है तो हमें क्या करना है, ये वाला नहीं लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ये वाला एंगल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये एंगल निकालिए और इसको माइनस पाई से क्या करना है, घटाना है, तो घटाने के लिए क्या होगा, माइनस अगर आप करेंगे ये एंगल आप मान लीजिए निकालते हैं, और ये एंगल क्या है बेसिकली, ये एंगल यहाँ पर आप अल्फा मानते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि आपको मैग्नीट्यूड लेना है, चूंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो ये हो जाएगा मॉड वाई अपन मॉड एक्स, ये हो गया अल्फा की वैल्यू, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या है माइनस पाई है, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये अल्फा करेंगे, अल्फा भी क्या है, अल्फा भी माइनस है, तो आप क्या करेंगे माइनस ऑफ अल्फा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस माइनस प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे आप प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय मॉड वाई बाय मॉड। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी आपको इस तरह कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ हो तो साइन को भूल करके सबसे पहले आप क्या करेंगे उसका टेन इनवर्स निकालेंगे, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो माइनस फाइव कर देंगे। अब ये
कई सारे लोगों को यहाँ डाउट हो रहा है सर ये डबल माइनस कैसे आया। देखो यहाँ पर आपने क्या करा, ये एंगल आपने निकाला यहाँ से, ये एंगल क्या है, ये एंगल अगेन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये माइनस ऑलरेडी निकल के आएगा। और जब आप माइनस निकल के आएगा तो इसमें क्या करेंगे, माइनस पाई से घटाना है आपको कोई भी एंगल, ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये मिलेगा ना। देखो ये माइनस पाई है टोटल यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक अगर माइनस पाई है तो ये वाला एंगल जब तक आप नहीं घटाओगे तब तक ये मिलेगा नहीं, है ना। तो ये एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, अल्फा को माइनस किया जो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसीलिए वो प्लस हो गया। और यहीं पर आपको जो मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है एंगल, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ मॉड वाई बाय मॉड एक्स। और मॉड क्यों लगा रखे, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको आप और दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ गया तो हम क्या करें, अब फोर्थ क्वाड्रेंट को पहचानने का तरीका क्या है कि पहला क्वाड्रेंट प्लस दूसरा माइनस। अब इसका एक्सिस बना लेते हैं, एक्सिस बना लिया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट किधर है, यहाँ का ही आएगा, ओरिजिन यहाँ है आपका, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। अब यहाँ से आप ओरिजिन से इसको जोड़ दो, ये हो गया आपका पॉइंट पी जो एक्स कॉमा वाई है। अभी मैं साइन के साथ नहीं लिख रहा हूँ, तो आप साइन के साथ लिखिए। और यहाँ पर आप जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बना रहे हैं ये बना रहे थीटा यहाँ, तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर भी निकालने का वही तरीका, आप चूंकि क्या आ गया 90 डिग्री के अंदर आ गया तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, चूंकि ये रिवर्स एंगल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू आपको क्या पर सबसे पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है ये y हो गया ये x हो गया, तो ये tan इनवर्स ऑफ 4, यहाँ क्या नेगेटिव है y नेगेटिव है, तो y के ऊपर मॉड लगाना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ x यहाँ पर आपने निकाला। और ये माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये चारों क्वाड्रेंट में आपको ये आर्ग्यूमेंट होगा। अब यहाँ से आप एक चीज और भी कर सकते हैं, इसको समराइज कर लीजिए। समराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, इस समराइज करने के लिए एक मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, आप इससे सीख सकते, इसको बेसिकली लिख लीजिए और रिवीजन करते समय आपको पता चलेगा। अब समरी जो करेंगे किसका करेंगे, जेड इजक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई के बाद। अगर ये ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, वो निकालने का तरीका है अलग अलग। जैसे पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि इसमें क्या हो जाएगा, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है और वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो आप बोलेंगे एक्स और एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट का देखते हैं कि यहाँ x लेस देन जीरो, यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पे आपने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पाई माइनस पढ़ा था, आप पाई माइनस यहाँ पर लगा, पाई माइनस पढ़ा था अगर किसी को याद हो तो, हम यहाँ पर पढ़े थे पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय मॉड एक्स, ये पढ़ा था हमने। और यहाँ पर क्या है, एक्स लेस देन जीरो है और वाई ग्रेटर देन जीरो है, मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ क्या, मॉड वाई बाय मॉड एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों एक्स और वाई नेगेटिव है। तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू निकालना है जनरल तरीके से और उसमें माइनस पाई ऐड कर देना है। तीसरा आप क्या निकालेंगे, माइनस टेन इनवर्स ऑफ मॉड वाई बाय एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स लेस देन जीरो और वाई लेस देन जीरो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई लेस देन, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए स्पेशल केस आ जाता है जहाँ पर मान लीजिए एक्स जीरो है और वाई जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या हो गया, एक्स जीरो हो गया, तो इस वाले क्वाड्रेंट पे देखो एक्स जीरो हो गया और वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब कौन सा एक्सिस हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला, तो एंगल कौन सा बनाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल क्या है, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू कब होगा, जब आपका एक्स जीरो हो जाएगा और वाई ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यही सोच सकता है इंसान की सर तब ये कब होगा, जब एक्स जीरो हो जाएगा और ये वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, सिंपल है। आपको साइन वगैरह सब कुछ मैंने इसीलिए पहले बताते थे, तो यहाँ पर एक्स जीरो हो गया बट वाई नेगेटिव, तो इस केस में आप क्या करेंगे, माइनस पाई ले लेंगे, ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से समझ में नहीं आती है लोगों को, बट मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में इसको करके समझाने की कोशिश करी है, आप इसको समझने की कोशिश करो और आपको समझ में आ जाए। दूसरा ये कि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे मैंने बताया दो चीजें बताया, एक तो होता है सिंपल आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट आपका हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, और एक हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और ये वाले आर्ग्यूमेंट में आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि अब जनरली क्या होगा, जब जेड इज इक्वल टू आप एक्स प्लस आईटा वाई निकालोगे तो उसमें क्या करोगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स फटाफट निकालेंगे और इसको बोल देंगे कि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया, बट ऐसा
होता नहीं। जब भी आप आर्गुमेंट लोगे तो आपको टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स तो लेना है, बट इसमें ये भी ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स जो होगा इसका जो इंटरवल होता है जिसमें ये लाई करना चाहिए वो -π/2 से π/2 है। यानी कि ये जो आर्ग्यूमेंट आप निकालोगे, आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होगी, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू किस में लाई करनी चाहिए, -π/2 से π/2 में। ये हो गया, और दोनों ओपन रखना है। क्यों? क्योंकि हमने क्लोज वाला केस देख लिया कब होता है, जब एक्स जीरो हो। ठीक है, ये हो गया आर्गुमेंट। बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे क्या होता है, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में ये अलग 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 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें साइन का फैक्टर आ जाता है, और इसका जो रेंज होता है यानी कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता है -π से π में। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट, इसी को ऐसे ही लिखा जाता है, -π है ना ग्रेटर देन ये आर्गुमेंट ऑफ जेड प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात, और यहाँ इक्वल टू पाई। मैंने इक्वल टू का रीजन आपको बता दिया कि हम दो बार कंसीडर इसको नहीं करना चाहते, इसीलिए आपने एक बार ये प्लस पाई में वो वाला वैल्यू ले लिया है, इसीलिए -π में हमने ओपन कर दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रख। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो ज्यादातर टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस में हो जाते हैं? इन सब चीजों में। तो ये आपको करना नहीं है, आपको ध्यान रखना है और आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाए। अब इसी में क्या होता है, जब आप एक्सिस बनाया था शुरू में, आप तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। अगर आपने ये वाला बनाया था, इसमें आपने ओरिजिन दिया था, ये एक्स था, ये वाई था, हेडिंग डाल लीजिए ये है पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म बहुत आसान है, मतलब उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, आपको पता था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ एंगल बना रहा है, पी हो गया x, y, आपने इसको ओपी बोला था है ना, और ये एक एंगल बना रहा था थीटा, और यहाँ पर ओपी आपको क्या पता था, ओपी पता था √x² + y², ये बेसिक आपको याद ही होना चाहिए, इसी को हम मॉड्यूलस ऑफ जेड वाई जेड भी बोलते हैं। अब कोई आया बोला क्या कि नहीं, ओपी को मैं ना कुछ नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, OP इज इक्वल टू R। अब OP इज इक्वल टू जब R हो गया जो डायगोनल है, तो इन्होंने किसी ने बोला कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, X को R और थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आपका Z क्या था, Z था x, y के फॉर्म। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं R थीटा, R क्या है डिस्टेंस है, और थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट है। आर थीटा के टर्म्स में हम लिख सकते हैं क्या? तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते। ये चीजें ऐसी है जो आपको बहुत बहुत काम आने वाला है, और आप इसको जरूर से फॉलो करें। जैसे आर थीटा के टर्म्स में आपको बेसिकली लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, अब जैसे एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्स कैसे निकालेंगे, ये एक्स है ये वाई है, तो आप ये कैसे निकालेंगे? तो आर है तो आपने कॉस थीटा पढ़ा होगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है x/r। यहाँ से अगर आप निकालेंगे कॉस थीटा तो यहाँ से हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, आप ये 10th वगैरह में ही पढ़ा होगा। और साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा y/, तो यहीं से आपको क्या करना है, x और y को निकालना। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, x और y को निकालेंगे, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा r cos थीटा सिंपल, और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा r sin, हो गया सिंपल। और z क्या है भाई साहब, z है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, और r क्या है, r यहाँ पर हो गया मॉड z जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, और थीटा क्या है भाई, थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ध्यान रख ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये आपको करना है और ये आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। तो इसका एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है कि मान लीजिए जेड इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया, मतलब बहुत सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया, मैंने आपको 1 + i दे दिया। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मॉड जेड निकालोगे, मॉड जेड क्या है आर, और ये कैसे निकलता है, √x² + y², तो 1² + 1² ये क्या हो गया, √2 हो गया, और जेड इक्वल टू आर हो गया, आर इक्वल टू √2 हो गया। अब क्या करेंगे आप, इसको एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा, ठीक है, ये आपका होता है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, आर कॉमन ले लीजिए, जेड को आप लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को चमका ही नहीं होगा, अरे भाई इसको लिख दो जोड़ दो, एक्स प्लस आईटा के फॉर्म में है ना, ये एक्स प्लस आईटा के आईटा वाई के फॉर्म में है, जोड़ लो, आर क्या है यहाँ पर √2, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा अभी निकाला नहीं है, तो कैसे निकालोगे कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालोगे जैसे आप निकालते हो आर्ग्यूमेंट, तो क्या निकालोगे आप यहाँ पर थीटा निकालने के लिए, टेन इनवर्स ऑफ, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टेन इनवर्स ऑफ 1/1, ये क्या हो गया टेन इनवर्स ऑफ 1, ये क्या है बहुत सिंपल है, और 1 कितने पे होगा 45 पे, यानी कि π/4 हो गया। तो ये क्या हो गया कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है π/4, तो कॉस थीटा कितनी हो जाएगी 1/√2, और फिर आईटा, आईटा की वैल्यू कितनी है, आईटा की वैल्यू है आपका साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, निकाल निकाल निकाल, साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी π/4 यानी कि 1/√2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पोलर फॉर्म में अगर आप लिखोगे
तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा और ये आप कट करके आप देख सकते हैं, फिर से आपको क्या मिल गया, वन प्लस आईटा ही मिल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब दूसरा इसमें सबसे समझने वाली बात ये थी कि जब आप यहाँ पर जेड को आर और इसमें लिखेंगे, जेड को अगर आप आर में लिखते हैं और थीटा फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे आप क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू लिखेंगे √2 R हो गया ये, और थीटा फॉर्म में लिखेंगे, तो थीटा फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, थीटा लिखेंगे cos π/4, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, cos π/4 प्लस आईटा sin π/4, ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। बट चूंकि ये आर्ग्यूमेंट है, तो आपने आर्ग्यूमेंट में ये देखा था कि आप आर्ग्यूमेंट यूनिक होता नहीं है, इसको 2n π के साथ आप कभी भी लिख सकते हैं जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। तो आप इसको और फर्दर जनरलाइज कर सकते हो कि √2 हो गया, ये हो गया cos 2n π प्लस थीटा यानी कि π/4, और यहाँ पर आईटा हो गया sin 2n π प्लस π/4, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिकली इस जेड का पोलर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर एन क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, आप कुछ भी हो सकता है वो। तो ये जो होगा ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गया, जो हम ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लिख सकते। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और ये चीजें आप बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारे आर्गुमेंट किया और फिर उन उनसे निकल के आया, उनमें जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट करने वाला इंसान था वो था ऑयलर। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम पे एक फॉर्मूला दे दिया बड़ाई लेने के लिए। तो आप भी उसके नाम का फॉर्मूला अपने नोटबुक में छाप दो। उसको क्या बोला गया, ऑयलर फॉर्मूला। क्या, ऑयलर फॉर्मूला, ऑयलर्स इक्वेशन ही बोलते हैं, ऑयलर्स फॉर्मूला ही बोलते हैं, ऑयलर्स फॉर्मूला। अब ये क्या बोला कि बोला कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने, ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई में आपने रिप्रेजेंट किया है, बट मैं नहीं करने वाला हूँ, मेरा मन नहीं करता है, तो मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा, आईटा, ये जो आर थीटा है इसमें करूंगा, जिसमें से आर में नहीं लिखने वाला। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो आपने लिखा था जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, है ना, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैं इसको तो आप रहने दो, मैं इसको एक अलग तरीके से लिखू, कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा को। तो ये बोला कैसे लिखोगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि इसको मैं लिखूंगा एक्सपोनेंशियल पे, और इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दे दी, एक्स ये जो कॉस थीटा प्लस आईटा सीटा थीटा को ई रेस्ट पर आईटा थीटा। अब ये टर्मिनोलॉजी बड़ा शॉर्ट हो गया। अब वो उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, अब इसको देखो इतना लंबा टर्म आप लिखते थे, अब ये लिख सकते हो। अब जेड को क्या लिख सकते हो, जेड को आप लिख इट बार क्या लिख सकते हो, आईटा थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा हो गया अगेन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड कौन सा है, एक्स प्लस आईटा वाई वाला। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते। अब कोई भी बड़ा सा इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, तो ई टू द पावर आईटा थीटा को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, जहाँ पर थीटा आपको क्या है, आपको पता है क्या है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से उन्होंने लिखा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, बहुत सारे उन्होंने इक्वेशंस इसके ऊपर दे दिया, और ये इक्वेशंस जो है आप बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बस लिखवा देता हूँ और आप इसको बहुत आसानी से कहीं भी फाइंड आउट कर सकते। इन्होंने कुछ रूल दे दिया इसी बेसिस पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर कि जो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, ये आप लिख लो, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इसमें समझने वाली कुछ खास बातें हैं नहीं, बस जो समझना था हम उसके इसके पहले ही था, इसमें कुछ भी नहीं है। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में मैं लिख देता हूँ कि कैसे कैसे ये रिजल्ट है। तो इसमें क्या है कि आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, जेड जेड वन और जेड टू। ये क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो इसीलिए क्योंकि जीरो के चक्कर में आपको पता है कि क्या क्या होता है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, कुछ रिजल्ट लिखने हैं और उसको आपको याद रख। वो क्या है, जिससे पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, आपने जेड बार पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, उसका क्या होगा, उसका हो जाएगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है और उसके सामने माइनस साइन लगा देना। ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात। और दूसरी बात इसमें ये क्या है कि दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला क्या है, अगर आप मल्टीप्लीकेशन का आर्ग्यूमेंट निकालना चाहते हैं, जेड वन जेड टू मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना चाहते हैं, तो इसका जो समीशन होगा वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, ठीक है। ये तो बहुत क्रूड फॉर्म होता है। अब इसमें आपको पता है कि ये चूंकि आर्ग्यूमेंट है, तो इसमें 2k π 2n π का प्रॉब्लम होता है, ये जो 2n π जनरलाइजेशन वाला फॉर्म है, तो इसका प्रॉब्लम हो, इसीलिए इसके लिए क्या है, इसके लिए इसको बाइफर्केट कर दिया, कि इसमें क्या किया, 2n π ऐड कर दिया और n का जो अलग अलग वैल्यू है वो यहाँ पर लिस्ट कर, अलग अलग वैल्यू क्या हो सकता है, n की वैल्यू 0 हो जाएगी, कब, जब आपका -π से इसका जो समीशन है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, बेसिकली इसको अगर आपने -π से π के बीच में रखा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, राइट। अगर यही आपका चेंज आएगा, चेंज होके हो जाएगा 1,
और ये कब होगा जवाब -2π से, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसकी वैल्यू अगर -2π से -π तक रहेगी तब रहेगा। अब यही केस क्या आ जाएगा -1, ये चूंकि कुछ रिजल्ट्स है तो जो आपको सीधा लिखवा दे रहा हूं मैं, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, सीधा ये रिजल्ट्स आप यूज कर सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू जो इसका समेशन है ये आप सीधा यहाँ पर लिख लो, अगर ये आपका पाई से 2π के बीच में होता है तो ये क्या हो जाएगा -π हो जाएगा। ये आप इसको आराम से प्रूव भी कर सकते हो, मैं इस पे प्रूव करने वाला बात नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से कर लीजिए कर सकते। तीसरा चलते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा वाला आर्गुमेंट क्या है कि अगर आप आर्गुमेंट निकालते हैं जेड वन और जेड टू बार का तो ये क्या करना पड़ेगा। ये आपको पता है कि बार का आर्गुमेंट हमने पहले ही रिजल्ट में देखा माइनस साइन के साथ होता है, तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू हो जाएगा। बेसिकली होना था प्लस ही, बट चूंकि बार है तो वो एक माइनस एडिशनल साइन लेके आया है, और इसमें भी आपको पता है कि ये 2k π वगैरह का आता है, तो ये जनरलाइज फॉर्म है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, जहां भी आपको लगेगा कि आंसर जनरलाइज फॉर्म में है वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ डिवीजन का देखते हैं, अब जेड वन अपन जेड टू किसी ने दे दिया तो ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ये क्या बोलेंगे आप आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, सिंपल ये आपने बोल दिया। और इस तरह से आप इसको और भी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और प्लस और माइनस साइन, अब जैसे इसमें कई सारे लोग क्या करते हैं 2k π आप लिख दो, और ये जो आर्गुमेंट और आर्गुमेंट का जो साइन होगा वो होगा जो हमें इक्वेशन जो दो नंबर का रूल था उसके अकॉर्डिंग, जो 0 + 1 और -1 था वही रूल इसमें भी फॉलो होता है k के लिए, या इसको n भी लिख सकते हैं, दोनों यूज होता है, आप जो भी आपको लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा पांचवा होता है, पांचवा कंडीशन क्या कहता है कि अगर आपका ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, हमने पढ़ा था शुरू में मॉड्यूलस में, अगर ये माइनस और प्लस दोनों बराबर है, दोनों का मॉड्यूलस इसका बराबर है, तो इसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है, और ये वाइस वर्सा ट्रू होता है कि एक ट्रू होगा तो दूसरा ट्रू होगा, इसमें जो होगा आर्गुमेंट का जो डिफरेंस होगा, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली एग्जाम में कई बार आया है कि आर्गुमेंट का जो डिफरेंस होगा वो पाई बाय टू होगा, ये रिजल्ट है डायरेक्टली, इसको प्रूफ आप बिल्कुल कर सकते, आप चाहो तो आप बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हो और कहीं भी आपको ये प्रूफ मिल जाएगा, इसीलिए मैं ये नहीं करवा रहा, आपको बस रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपके नोट में ये चीजें होना चाहिए। अब देखिए इंडिविजुअल के अगर ये बराबर होता है, जैसे जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉड हो गया वो जेड वन मॉड प्लस जेड टू मॉड हो गया, तो इसमें क्या होता है, और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, वाइस वर्सा क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जो होगा वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू के बराबर, और इसको आप बहुत आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं अगेन प्रूफ नहीं कर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सातवें की बात करते हैं, सातवें में क्या हो रहा है कि अगर आपका जेड वन स्क्वायर जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, अगर ये आपका मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर, इसमें देखो बीच में थोड़ा बहुत कुछ गलत वलत कहीं अगर लिखा हुआ चले जाए तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए और उसको आप नोटबुक में छाप, मॉड जेड वन मॉड जेड टू, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, यहाँ पर दोनों को निकालना पड़ेगा और फिर आपको ये देना पड़ेगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि अगर आप R1 जैसे Z1 इक्वल टू अगर आपने लिया होगा R1 ईट पर आईटा थीटा 1 या इस तरह का अगर आपने वैल्यू लिया होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, R1 cos थीटा 1 प्लस आईटा साइन थीटा 1, Z2 इक्वल टू क्या लिया होगा आपने R2 cos थीटा 2 प्लस आईटा साइन थीटा 2, ये तो आप अपने से लिख सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 क्या है मॉड जेड वन, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, बहुत आसान हो, मतलब ये आप समझ सकते हैं, इसको याद रखना बहुत आसान, तो ये हो गया सातवां। आठवें की तरफ बढ़ते हैं और आठवें में देखते हैं कि आठवां फॉर्मूला क्या है, और इसको आप बहुत अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे इसी में सातवें नंबर में एक स्पेशल केस होता है कि अगर जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉड है अगर इसका स्क्वायर अगर मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर के बराबर हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि जो जेड वन है वो राइट एंगल पे है जेड वन या ओ जेड वन एट राइट एंगल टू, ये ओरिजिन से ले रहा है ओ जेड टू, ये कैसे हुआ, देखिए इसमें एक टर्म आया था, क्या टर्म आया था R1 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये क्या हो गया उसमें, उसमें जो हो गया जीरो, अभी जीरो क्या हो सकता है, ये तो जीरो होगा नहीं, तो किसको जीरो होना पड़ेगा cos थीटा को, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया आपका जीरो, और cos थीटा जीरो तक कब होता है जब थीटा इसका पाई बाय 2 हो, दो थीटा का डिफरेंस क्या हो गया पाई बाय 2 हो गया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो है ओ जेड वन ओ जेड टू पे राइट एंगल, तो इस तरह का प्रूफ आप अपने आप से कर सकते हैं। आठवें की बात करते हैं और आठवां जो आपका है वो है मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू, ऑब्वियसली इसी का सब्स्टिट्यूट जो दूसरा माइनस वाला था वो बात करेंगे, इसमें भी मॉड जेड वन स्क्वायर
प्लस मोर जेड टू स्क्वायर, सीधा रिजल्ट लिखवा देता रहा हूँ, और माइनस हो जाएगा टू मोर जेड वन मोर जेड टू, ये कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। इसमें भी सेम ही होता है, बस साइन माइनस यहाँ पे चेंज आता है। ये हो जाएगा आर वन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा। अब इसी का एक स्पेशल केस हो सकता है। स्पेशल केस क्या होगा, जब ये स्क्वायर इसके बराबर हो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और आप इसको इसमें स्पेशल नोट करके आप ये लिख सकते, ये स्क्वायर अगर करेंगे, ये मोर जेड वन स्क्वायर प्लस मोर जेड टू स्क्वायर हो गया। इस केस में आप क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये जो अगेन वो जेड वन है, क्योंकि ये अगेन जीरो हो जाएगा और यहाँ से फिर आपको वही निकल जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये साइन होता है परपेंडिकुलर टू वो जेड, सिंपल है, ये साइन होता है परपेंडिकुलर। सो आप देख सकते हैं कितना आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं। तो ये होता है, और आप इसको बहुत आसानी से अपने नोटबुक में छाप सकते हैं और इसको बाद में समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और बीच बीच में मुझे थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा टाइम निकाल के, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जितना भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप उसको रिवाइज करिए, उसको सीखने की कोशिश करिए। कोई डाउट होता है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और वहाँ पर हम इसके आगे और भी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानने की कोशिश करें, और सारी चीजें एडवांस वगैरह तक का कवर होगा, तो आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहीं समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न कोई गाइडेंस चाहिए, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन से ही अप्रोच कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, जो मैंने दिया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ये सारे इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज।